हेलो एवरीवन, आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेक्टिव नॉवल के बारे में। डिटेक्टिव नॉवल से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आते हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने BSI Academy इंग्लिश लिटरेचर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो आज का ये वीडियो ऐसे कैंडिडेट्स जो कि UGC नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, गेट एग्जाम, TGT PGT, जिसमें KVS, DSSB, EMRS, NVS या फिर स्टेट लेवल के इंग्लिश टीचर या असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर अपने BA और MA एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जिन क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे वो है, व्हाट इज डिटेक्टिव नॉवल, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ डिटेक्टिव नॉवल, देन नेम सम ऑफ द फेमस डिटेक्टिव नॉवलिस्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिटेक्टिव नॉवल, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डिटेक्टिव नॉवल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिटेक्टिव नॉवल एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डिटेक्टिव नॉवल। इसके अलावा डिटेक्टिव नॉवल के काफी सारे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज के इस वीडियो में कवर किया जाएगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो आइए सबसे पहले हमारे अपने क्वेश्चन व्हाट इज डिटेक्टिव नॉवल पे आते हैं। तो इसके अगर हम लोग मीनिंग और डेफिनेशन की बात करें, तो डिटेक्टिव नॉवल एक तरह का ऐसा जॉनर ऑफ फिक्शन है जिसमें एक इन्वेस्टिगेटर होता है और वो इन्वेस्टिगेटर जो है एक क्राइम को इन्वेस्टिगेट करता है। ओके, तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर एक इन्वेस्टिगेटर है जो कि इन्वेस्टिगेटर जो है एक उसके सामने एक ऐसा क्राइम हुआ है जिसको वो अपनी जो मेथड से उसे इन्वेस्टिगेट करता है। तो एक तरह का पूरा कंप्लीट फिक्शन जो है, जॉनर ऑफ फिक्शन जो है, इस तरह के नॉवल को डेडिकेट किया गया है जिसे हम लोग जो है डिटेक्टिव नॉवल कहते हैं। तो वो जो डिटेक्टिव नॉवल है, नॉवलिस्ट है, मतलब एक तरह से बोला जाए डिटेक्टिव नॉवल के अंदर जो इन्वेस्टिगेटर है, ही और शी कैन बी आइदर बी प्रोफेशनल, एमेच्योर और रिटायर्ड। यानी इन्वेस्टिगेटर जो है वो प्रोफेशनल हो सकता है, बहुत नौसिखिया हो सकता है, और वो रिटायर्ड ऑफिसर या रिटायर्ड सिविलियन भी हो सकता है। ओके, तो यहां पर देखा जाए तो जनरली डिटेक्टिव नॉवेल्स के अंदर मैक्सिम केस के अंदर किसी मर्डर केस की मिस्ट्री को सॉल्व किया जाता है। तो डिटेक्टिव नॉवल मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वॉल्व और सॉल्व द मर्डर केसेस। ओके, तो यही इसके मीनिंग और डेफिनेशन की है बात है। ज्यादा इसमें डेफिनेशन के अंदर ज्यादा डीपली हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बात आते हैं कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ डिटेक्टिव नॉवल, डिटेक्टिव नॉवल का ओरिजिन कहां से और कब से स्टार्ट हुआ था। तो डिटेक्टिव नॉवल जो है ये काफी इस तरह के जो जॉनर ऑफ फिक्शन थे वो बहुत फेमस हुए थे मिड 19th सेंचुरी के अंदर, यानी 1850s के आसपास जो है डिटेक्टिव नॉवल जो है काफी फेमस हुए, और उस समय काफी नॉवल जो है डिटेक्टिव नॉवलिस्ट के ऊपर लिखे गए थे। तो अब बात आती है कि जो सबसे पहला डिटेक्टिव नॉवल लिखा गया था वो था बाय एडगर एलन पू के द्वारा, द मर्डर्स इन द रू मॉर्ज, और जो इस शॉर्ट स्टोरी है जो कि पब्लिश हुई थी 1841 में। द फर्स्ट मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरी इज रिटन बाय द एडगर एलन पू, जिसे हम लोग द मर्डर्स इन द रू मॉर्ग कहते हैं, और इसे एक तरह की शॉर्ट स्टोरी है जो कि पब्लिश हुई थी 1841 में। और इस तरह के जो नॉवेल्स हैं वो बहुत पॉपुलर हुए इस मिड 19th सेंचुरी के अंदर, इसलिए इसका एक पूरा का पूरा जॉनर ही इसके नाम पर डेडिकेट कर दिया गया। अब हम आते हैं कुछ अपने ऐसे फेमस कैरेक्टर्स से जिन्होंने डिटेक्टिव नॉवल के अंदर जो कि एज अ इन्वेस्टिगेटर जो है काम करते थे। ओके, तो कुछ फेमस कैरेक्टर के हम लोग नाम देख लेते हैं, क्योंकि ये भी जो है आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसमें आता है सबसे पहला नाम सी अगस्त डोपिन, मिस मार्पल जो कि अगाथा क्रिस्टी के द्वारा एक बहुत फेमस कैरेक्टर बिल्ड किया गया था, अगाथा क्रिस्टी ने इसको बिल्ड किया था। देन शेरलॉक होम्स, बहुत फेमस कैरेक्टर है ये डिटेक्टिव नॉवल्स का। देन हॉकिल प्यूरी, तो ये जो है ये फ्रेंच वर्ड है, तो सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, और इसे भी जो है अगाथा क्रिस्टी ने जो है इसे फेमस इस कैरेक्टर को बिल्ड किया था। देन एलेनर क्विन, तो दीज आर सम ऑफ द फेमस कैरेक्टर्स। अब हम लोगों ने कैरेक्टर्स की बात करी है, तो कुछ फेमस डिटेक्टिव नॉवलिस्ट की भी बात कर लें जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेक्टिव नॉवल में अपना मतलब
और नॉवेल्स पब्लिश किए हैं, लिखे हैं, जिनमें पहला नाम आता है अगाथा क्रिस्टी का। इन्होंने इनके करीबन 125 से भी ज्यादा नॉवेल जो है करीबन फेमस डिटेक्टिव मतलब डिटेक्टिव जॉनर में लिखे गए हैं। देन आर्थर कॉनन डॉयल, देन कैगो हिगाशिनो, विकी कॉलिन और मिका वॉल्टरी। तो दीज आर सम ऑफ द फेमस नॉवलिस्ट जिन्होंने डिटेक्टिव फिक्शन के अंदर अपना जो है काफी वर्क जो है पब्लिश किया है। देन व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिटेक्टिव नॉवल। तो डिटेक्टिव नॉवल के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो कि उसको बाकी जॉनरा से बाकी फिक्शन से अलग करते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर बात की जाए कि इस तरह के नॉवल के अंदर क्या होता है, आपकी एक स्टोरी रन हो रही है, चल रही है, पर अचानक क्या होता है जब कॉन्क्लूजन वाला पार्ट आता है यानी एंड पार्ट आता है, तो वहां पर पूरे प्लॉट के अंदर ट्विस्ट हो जाता है यानी सरप्राइज देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे सस्पेंस जो है, क्योंकि डिटेक्टिव नॉवल जो है सस्पेंस से भरे हुए होते हैं और लास्ट मोमेंट में जो स्टोरी का जो प्लॉट का जो लास्ट पार्ट या कॉन्क्लूजन पार्ट आता है उसमें पता चलता है कि जो मर्डरर है वो कोई और ही है। तो यहाँ पर सस्पेंस से भरे हुए नॉवल होते हैं। हाउस रॉबरी और मर्डर इस तरह के सीन जो है क्वाइट कॉमन है इस तरह के डिटेक्टिव नॉवल के अंदर। देन रेड हेरिंग्स, बहुत ज्यादा खींचतान होती है, पुलिस का जो केस होता है वो काफी बढ़ता हुआ चला जाता है, वो सॉल्व नहीं होता, तो रेड हेरिंग भी है इसके अंदर। देन अ सेलिब्रेटेड स्किल्ड प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर, यानी इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेटर केस को सॉल्व करता है वो बहुत सेलिब्रिटी होता है, स्किल और अनस्किल दोनों हो सकता है और प्रोफेशनल होता है। ओके, जैसे अगर हम लोग बात करें ब्योमकेश बख्शी की, तो ब्योमकेश बख्शी जो है इंडियन फिक्शन के अंदर, बंगाली फिक्शन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और ब्योमकेश बख्शी को जिन लोगों ने 90s का जो दूरदर्शन का टेलीविजन देखा होगा तो उन्हें ब्योमकेश बख्शी के बारे में पता होगा। तो वो भी जो है एक तरह के सेलिब्रिटी और स्किल्ड और प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर थे। तो इसी तरह से शेरलॉक होम्स, मिस मार्पल, तो ये कुछ ऐसे फेमस कैरेक्टर्स हैं जो कि सेलिब्रिटी थे, स्किल्ड प्रोफेशनली थे और अपने क्राइम को जो उन्होंने केस उन्होंने लिया था उसे सॉल्व करते थे। देन डिटेक्टिव इंक्वायरीज होती है थ्रू आउट द नॉवेल्स में, कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन, कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने के लिए इन्वेस्टिगेटर के लिए पास कुछ ना कुछ होता है। लार्ज नंबर ऑफ फॉल्स सस्पेक्ट, स्टोरी जैसे मूव करती है ना तो हर पर्सन को इस नॉवल में सस्पेक्ट बनाया जाता है और आखिरी में वो सारे के सारे सस्पेक्ट होते हैं वो छूट जाते हैं। तो क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसे लोगों को सस्पेक्ट बनाया जाता है जो कि सस्पेक्ट तो होते हैं पर उन्होंने मर्डर नहीं किया होता, तो कुल मिलाकर सस्पेंस को बहुत ज्यादा लेवल पर लेके जाने के लिए इस तरह की जो कैरेक्टर्स, इस तरह के जो खेल हैं वो खेले जाते हैं इस तरह के नॉवेल्स के अंदर। और यहाँ पर कुल मिलाकर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द क्राइम यानी जो क्राइम सीन है उसको प्रॉपरली रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है कि मर्डर कैसे हुआ होगा, क्राइम कैसे हुआ होगा। तो कुल मिलाकर इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देखने को मिलते हैं। इंग्लिश लिटरेचर के काफी सारे कोर्स जो है बीएसए एकेडमी द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें यूजीसी नेट कोर्स, सेट एग्जाम कोर्स, टीजीटी पीजीटी जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के कोर्स अवेलेबल है। तो इन कोर्स के एनरोल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। और अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी इंग्लिश लिटरेचर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। कुछ एलिमेंट्स जो है डिटेक्टिव नॉवल के, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डिटेक्टिव नॉवल्स कौन कौन से, जरा उनको भी देख लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो क्राइम सीन होता है वो बड़ा परफेक्ट होता है। तो परफेक्ट क्राइम सीन देखने को मिलता है इस तरह के डिटेक्टिव नॉवल्स में। अ रॉन्गली एक्यूज सस्पेक्ट एट होम सर्कमस्टांशियल एविडेंस पॉइंट्स आउट। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे रॉन्ग एक्यूज को पहले ही पिन पॉइंट कर लेते हैं जो कि जिन्होंने मर्डर नहीं किया होता, हाँ सस्पेक्ट होते हैं। देखिए, जब भी कोई घर में भी कोई बात होती है तो वो बात पूछी जाती है ना कि किसने किया, तो हम लोगों को सभी को उसके अंदर रॉन्गली सस्पेक्ट बनाया जाता है। तो उसी तरह से इसी तरह के क्राइम नॉवेल्स के अंदर, डिटेक्टिव नॉवेल्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि बहुत सारे पर्संस को इसके अंदर फालतू में खींचा जा रहा है, बल्कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो हाई ऑब्जर्वेशन, सुपीरियर माइंड ऑफ द डिटेक्टिव,
बहुत ज्यादा जो मतलब जो डिटेक्टिव जो है वो बहुत ज्यादा अपनी ऑब्जर्वेशन से और सुपीरियर माइंड टेक्निक से केस को सॉल्व करता है। एक पॉइंट को हर पॉइंट को पिन पिन पॉइंट मतलब हर बारीकी को बारीक बातों को भी वो नजरअंदाज नहीं करता है। अ रैशनल एंड इंटेलिजेंट डिटेक्टिव यानी जो केवल फैक्ट्स पर फिगर्स पर ही ध्यान देता है बहुत रैशनल होता है, इंटेलिजेंट होता है और इमोशनली नहीं होता। ठीक है, इमोशन से ज्यादा खेल नहीं करता पर वो रैशनल होता है। और यानी एक मतलब अगर ए हुआ है तो ए के बाद बी हुआ है तो इस तरह के जो रैशनल जो सस्पेक्ट है सस्पेक्ट वो है डिसीजन है वो लेता है। देन अनएक्सपेक्टेड कंक्लूजन इन द एंड, मैंने बताया आपको कि जो लास्ट में जो प्लॉट का जो ट्विस्ट होगा उसमें अपने भी कोई ना कोई ऐसा ट्विस्ट आ जाएगा जो पूरी स्टोरी की पूरी नॉवल की स्टोरी को चेंज कर देगा, प्लॉट को चेंज कर देगा। अ कंपेनियन फॉर द डिटेक्टिव, बहुत बार देखा गया है कि जितने भी डिटेक्टिव आपने नॉवल में पढ़े होंगे ना तो उनका कोई ना कोई एक दोस्त एक मित्र एक कंपेनियन जो है होगा जो कि उनकी हेल्प करेगा। जैसे शेरलॉक होम्स का उनका दोस्त होता है शेरलॉक होम्स का, तो जिसे हम लोग जो है अगर देखा जाए उसका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है डेफिनेटली जो है अगर आपको नाम याद आए कि शेरलॉक होम्स का जो फ्रेंड है उसका नाम क्या है जरूर आप बताइएगा। ऐसे ही कौन व्योमकेश बख्शी का जो दोस्त है अजीत, इस तरह से तो हर जितने भी डिटेक्टिव फेमस डिटेक्टिव रहे हैं उनका कोई ना कोई फेमस जो एक फ्रेंड है जो कि स्टोरी को नैरेट करता है या उनके साथ होता है। ठीक है, तो ये इस तरह के कुछ एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स हैं जैसे क्लूज टू द सॉल्यूशन विच द रीडर कैन एंजॉय एज अ पजल, यानी कुल मिलाकर एक तरह की पजल जो है रीडर को जो नॉवलिस्ट देता है जिसको रीडर भी सॉल्व करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है खास तौर से डिटेक्टिव नॉवेल्स के अंदर। मिस्ट्री होती है मर्डर के अंदर, अ मर्डर मिस्ट्री इन्वॉल्विंग द मिस्ट्री, ओके, देन अ सेटिस्फैक्टरी रिजोल्यूशन इन विच द मिस्ट्री इज सॉल्व, यानी एंड में जो कंक्लूजन आता है वो जो एंड का जो कंक्लूजन है वो बहुत ही सेटिस्फैक्टरी होता है और वो पूरे के पूरे मिस्ट्री केस को सॉल्व करता है। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डिटेक्टिव नॉवल। अब हम लोग जो हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डिटेक्टिव नॉवल को देखते हैं जिसमें फेमस है हिस्टोरिकल मिस्ट्री, कोजी मिस्ट्री, सीरियल किलर मिस्ट्री, लीगल थ्रिलर और लॉक्ड रूम मिस्ट्री। तो ये देखिए मिस्ट्री है, सारी की सारी मिस्ट्री है। हिस्टोरिकल यानी कुछ ऐसा केस जो कि जो कोई क्राइम सीन बहुत पहले हुआ होगा हिस्ट्री में जिसे आज सॉल्व किया जा रहा है। सीरियल किलर मिस्ट्री यानी एक के बाद एक बहुत सारे खून होते हैं, उस खूनी को पकड़ने के लिए जिसने एक साथ मैंने कितने सारे खून किए हैं उनको पकड़ा जाता है। लीगल थ्रिलर एक थ्रिलर है जिसमें किसी का मर्डर हुआ है। लॉक्ड रूम मिस्ट्री एक बंद दरवाजे के अंदर किसी का खून हो जाता है, अब घर में कमरे में आया कौन पता ही नहीं पड़ता है ना। तो इस तरह की मिस्ट्री जो है इस तरह के डिटेक्टिव नॉवल भी फेमस रहे हैं। एंड ऑल्सो द हार्ड बॉइल्ड डिटेक्टिव नॉवल, तो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ डिटेक्टिव नॉवल। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं डिटेक्टिव नॉवल के, वॉट आर द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ डिटेक्टिव नॉवल जिसमें फेमस है द मून स्टोन बाय द विकी कॉलिन, मतलब मून स्टोन को लिखा था विकी कॉलिन ने। द मिस्ट्री ऑफ हैंडसम कैब जिसे फर्गस ह्यूम ने लिखा है। द हाउंड ऑफ बेस्किसवाइल बाय आर्थर कॉनन डॉयल। द मर्डर ऑफ रोजर एक्वर्ट बाय अगाथा क्रिस्टी। द मूविंग टॉय शॉप बाय एडमंड क्रिस्पिन और द बिग स्लिप बाय रेमंड चैंडलर। द डॉटर ऑफ टाइम बाय जोसफिन टे। साइलेंस ऑफ द लैम बाय थॉमस हैरिस। द मर्डर एट द विकार बाय अगाथा क्रिस्टी। द कुकू कॉलिंग बाय रॉबर्ट गैलब्रिथ। द नोटिंग हिल मिस्ट्री बाय चार्ल्स फेलिक्स एंड द डिटेक्टिव बाय रॉड्रिक थॉर्पे। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जिसमें शेरलॉक होम्स का भी जो फेमस नॉवल है वो भी मैंने दिया। इवन मैंने बोला ना अगाथा क्रिस्टी ने अपने समय में बहुत नॉवल लिखे हैं डिटेक्टिव के, इवन उनके अधिकतर नॉवल जो है
डिटेक्टिव नॉवल नॉवल के अंदर ही आते हैं, तो ये उनके काम में देखने को मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेक्टिव नॉवल। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कोर्स के अंदर एनरोल के लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। और अगर अभी तक आपने जैसे इंग्लिश इंग्लिश के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब इस चैनल, लाइक दिस वीडियो, और किसी भी तरह के क्वेश्चंस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।